हेलो इंजीनियर्स, आई एम वैभव, यू आर वॉचिंग इलेक्ट्रिकल जिंदगी। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने लेसन थर्ड को कंप्लीट किया था, जिसमें हम लोगों ने डिजिटल वॉट मीटर के अध्ययन किया था। ठीक है, आज हम लोग लेसन फोर्थ के स्टार्टिंग करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे एनर्जी मीटर के बारे में। बेसिकली ये वीडियो सिंगल फेज एनर्जी मीटर पर डेडिकेटेड है। सिंगल फेज एनर्जी मीटर के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एनर्जी मीटर क्या होता है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो आपने अपने घर को के नीचे में देखा होगा कि एक मीटर लगा होता है, जिससे हम लोग ये पता करते हैं कि हमने मंथली में कितना यूनिट हमने कंजप्शन किया हुआ है एनर्जी का। ठीक है, तो उसी ही को क्या कहते हैं हम लोग, एनर्जी मीटर कहते हैं। एक ऐसा मीटर जो कि हमारे एनर्जी के कंजप्शन को मेजर कर रहा होगा, उसको हम लोग एनर्जी मीटर कहते हैं। डेफिनेशन में यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है, आप यहाँ पर डेफिनेशन के तौर पर अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। द मीटर विच इज यूज फॉर मेजरिंग द एनर्जी यूटिलाइज बाय द लोड एट द पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज द एनर्जी मीटर। ठीक है, तो आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। बाकी हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये लिख सकते हैं कि एनर्जी मीटर एक तरीके का मीटर होता है, जो कि ये मेजर कर रहा होता है, ये गणना कर रहा होता है कि लोड के द्वारा कितनी एनर्जी का यूज किया गया एक टाइम पीरियड में। ठीक है, बाकी जो एनर्जी मीटर होते हैं, ये एनर्जी मीटर आर यूज इन डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पज। जो एनर्जी मीटर होते हैं, ये हमारे डोमेस्टिक मतलब घरेलू और इंडस्ट्रियल पर्पस एंड कॉमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज किए जाते हैं। एनर्जी मीटर हमारे एसी सर्किट्स में यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैंने एक शब्द बोला है कि एसी, तो एसी जो होता है अल्टरनेटिंग करंट जो होती है, ये हमारे टू टाइप्स में होती है। पहला हमारा सिंगल फेज एंड सेकंड हमारा थ्री फेज एसी हमारी होती है। अब ये जो फेज के आधार पे एनर्जी मीटर को हम लोग टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा सिंगल फेज एनर्जी मीटर, जो कि हमारा सिंगल फेज पे वर्क कर रहा होगा। सेकंड हमारा थ्री फेज एनर्जी मीटर, जो कि हमारा थ्री फेज अल्टरनेटिंग करंट पे वर्क कर रहा होगा। ठीक है, तो आज हम लोग, जैसा कि आपको पता है कि बात करेंगे कि सिंगल फेज एनर्जी मीटर के बारे में, तो चलिएगा आगे और भी समझ लेते हैं सिंगल फेज एनर्जी मीटर क्या होता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में बताया हुआ है कि जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी के किसी ना किसी तरीके की, जो आप समझ सकते हैं कि अगर मैं बिल्कुल इस एग्जांपल के साथ में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी है एक वायर के थ्रू में पास हो रही, तो इसमें कोई ना कोई तो बहुत सारे तरीके की क्वांटिटीज़ होती हैं, या फिर बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी अगर इस वायर से फ्लो कर रही है, तो इन इफ़ेक्ट्स का यूज़ करते हुए हम लोग बहुत से तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स को बनाते हैं। तो उसी तरीके से वॉट मीटर हो गया, एमीटर हो गया, वोल्टा मीटर हो गया, वो सब हम लोग बना रहे थे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में। तो इसी तरीके से एनर्जी के इंडक्शन जो इफेक्ट होता है, एनर्जी का या फिर करंट का जो इंडक्शन इफेक्ट जो होता है, तो उसका यूज़ करते हुए हम लोग एनर्जी मीटर का यूज़ कर बना रहे होते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि सिंगल फेज एनर्जी मीटर जो होता है, ये हमारा इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके बनाया जाता है। सेकेंड, मैंने यहाँ पर मैंशन किया हुआ है कि एनर्जी मीटर इज़ अ इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। जो एनर्जी मीटर होता है या फिर सिंगल फेज एनर्जी मीटर जो होता है, वो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, अगर आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स देखे हुए हैं तो आप इजीली समझ सकते हैं। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, जो कि हमारे समय के साथ जो मेजर्ड क्वांटिटी है उसको भी काउंट करते रहते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। जो हमारा सिंगल फेज एनर्जी मीटर होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि फैराडेस के लॉ पे डिपेंड होता है। इस पे ये हमारा वर्किंग प्रिंसिपल सिंगल फेज एनर्जी मीटर का होता है। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन के बारे में। कंस्ट्रक्शन के बारे में अगर मैं आपको बोलूं, तो इट इज डिवाइडेड इन मेनली फोर पार्ट्स। सिंगल फेज एनर्जी मीटर होता है, इसके हमारे फोर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है इसे। ठीक है, पहला हमारा पार्ट होता है ड्राइविंग सिस्टम, सेकंड होता है हमारा मूविंग सिस्टम, थर्ड होता है हमारा ब्रेकिंग सिस्टम, एंड फोर्थ हमारा होता है रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म। चलिएगा वन बाय वन मैं समझा देता हूँ आपको डायग्राम के हेल्प से, जिससे आपको ये ईजिली समझ में आ जाएगा। तो चलिएगा नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं हम लोग। दोस्तों, ये मैंने एनर्जी सिंगल फेज एनर्जी मीटर का मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। हालांकि ये अभी पूरा डायग्राम नहीं है, मैं इसे वन बाय वन आपको समझाते हुए इसे कंप्लीट करता रहूँगा। मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको बताया कि एनर्जी मीटर को हम लोग बेसिकली फोर टाइप्स के उसमें बांट सकते हैं, कि ये फोर टाइप्स पार्ट्स में बांट करके इसे बनाया जाता है। ठीक है, तो पहला हमारा होता है ड्राइविंग सिस्टम, और सेकेंड हमारा होता है मूविंग सिस्टम, एंड थर्ड हमारा होता है ब्रेकिंग सिस्टम, एंड फोर्थ हमारा होता है रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म।
देखिएगा, ये हमारा एनर्जी मीटर का बॉडी लेआउट है, ठीक है। आप ये समझ सकते हैं कि इस तरीके का कुछ एनर्जी मीटर होता है अंदर से। तो यहाँ पे ये जो मैंने यूज़ किया है हुआ है, ये ई टाइप का हमारा कोर है, ठीक है। ई टाइप का मैं यहाँ पे लिखता भी रहता हूँ, ई टाइप का हमारा कोर है। अब जो ये कोर होता है, ये आपने ट्रांसफॉर्मर में पढ़ा हुआ है कि ये हमारा आप कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट जो रखते हैं, मैग्नेटिक जो हमारे आप क्वालिटीज रखते हैं उनके बनाए जाते हैं। तो ये जो कोर होता है ये हमारा सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है, सिलिकॉन स्टील का ये बनाया जाता है, ठीक है। सिलिकॉन स्टील का ये हमारा कोर बनाया जाता है विथ लैमिनेशन, मतलब कि बीच बीच में हम लोग इसके बीच में लैमिनेशन भी देते हैं, और सिलिकॉन स्टील का ये हमारा कोर बना होता है। और ये कोर कैसा होता है, ई टाइप का होता है। इसी तरीके से ये हमारा जो कोर होता है ये हमारा यू टाइप का होता है, ये भी हमारा सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है, और साथ ही में ये हमारा लैमिनेशन भी प्रोवाइड इसमें किया जाता है, ठीक है। इसमें यहाँ पर एक स्पिंडल लगी होती है, ये ऐसे एक करके रॉड सी लगी हुई होती है। इस रॉड के साथ में के नीचे टाइप में, जैसे ये आप रॉड देख रहे हैं, तो इस रॉड के नीचे टाइप में बियरिंग लगाई जाती है, एक ये जो होती है बियरिंग लगाई जाती है। और साथ ही में ये हमारी एक एल्युमिनियम की, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, एल्युमिनियम की एक हमारी प्लेट होती है। प्लेट कैसी होती है, जैसे आप ये समझ सकते हैं, या फिर डिस्क आपकी होती है, आपने घरों में अपने प्लेट देखी है, गोल प्लेट होती है वो 3D डायमेंशन में। तो वैसे ही यहाँ पे भी एक ऐसे प्लेट लगी होती है, आप समझ सकते हो कि ये अंदर टाइप में भी है और थोड़ी बाहर उभरी हुई भी है, ठीक है। तो इस तरीके की प्लेट लगी हुई होती है। और ये जो स्पिंडल होता है ये विशेष तरीके के मैकेनिज्म से जुड़ करके हमारा रीडिंग मैकेनिज्म के साथ में जुड़ा होता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, रीडिंग मैकेनिज्म कह देते हैं इसके, ठीक है। तो ये रीडिंग हमारा मैकेनिज्म हमारा ये होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रीडिंग मैकेनिज्म कहते हैं। इसको हम लोग स्पिंडल कहते हैं, इसे हम लोग कोर कहते हैं, जो कि हमारा सिलिकॉन स्टील की बनी हुई होती है, और ये हमारी यू टाइप की हमारी कोर होती है, और ये हमारी क्या है, डिस्क है, मूविंग डिस्क है, ठीक है। अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि इसमें कौन से पार्ट को क्या कहते हैं। अभी तक तो हमने ये समझा है कि कौन सा पार्ट किस चीज़ से बना होता है, अभी समझ लेते हैं कौन से पार्ट को क्या कहते हैं। जो हमारा ये ऊपर ई टाइप की कोर होती है, इसको हम लोग शंट मैग्नेट कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, शंट मैग्नेट कहते हैं, इसको हम लोग सेंट मैग्नेट कहते हैं, ठीक है। और क्यों कहते हैं, अब इसका भी रीजन मैं आपको बता दूंगा। और इसको हम लोग सीरीज मैग्नेट कहते हैं, ठीक है। मैं लिखता हुआ चलता हूं, सीरीज मैग्नेट इसे कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं ये भी आपको सब समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, आप समझ सकते हैं कि हमें एनर्जी को मेज़र करना है। एनर्जी को मेज़र करना है मतलब कि इन वॉट, इन वॉट आपको एनर्जी को मेज़र करना होता है। तो एनर्जी को मेज़र करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कुछ वायर वगैरह निकालेंगे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, यहाँ पे हमारे सिंगल फेज है, तो दो हमारे पॉइंट्स होंगे, दो टर्मिनल्स हमारे होंगे। तो इस तरीके से ये हमारा सिंगल फेज एनर्जी यहाँ से मिल रही। तो आप वोल्टेज सोर्स इसे समझ सकते हैं, वोल्टेज सोर्स, या फिर आप सप्लाई इसे लिख लो, वोल्टेज सप्लाई है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर से आपका वोल्टेज सप्लाई दी हुई है मैंने। अब ये जो होती है सप्लाई, ये हमारी यहाँ पर से जा करके लोड में कनेक्ट होती है। यहाँ से ऐसे निकलेगा इससे वायर, ये जा करके हमारा लोड के साथ में कनेक्ट होगा, ठीक है। ये हमारा मान लीजिए लोड है। थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा कि अच्छा डायग्राम नहीं बन रहा है, बट अभी आप थोड़ा सा इसे एडजस्ट कीजिएगा। ये हमारा लोड है, ठीक है। यहाँ से अब आपको पता है ना कि सिंगल फेज में क्या है कि एक तरफ से मैं केवल अगर वायरिंग कर दूंगा तो नहीं चलेगा इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे से हम लोग इसे लोड के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा लोड है, ठीक। तो ये चीज़ आपने देख लिया कि ये हमारी सप्लाई यहाँ से हम दे रहे थे, टर्मिनल हैं ये हमारे, और ये हमारा लोड कनेक्ट हो गया यहाँ से। अब ये जो लोड के, अगर ये शंट में हम, मतलब कि आप ये समझ सकते हैं कि शंट में अगर हम लोग एक कॉइल जोड़ दें, यहाँ से एक ऐसे निकालें वायर, और यहाँ से ले जा कर के इसमें से ऐसे करके कॉइल अगर हम लोग जोड़ दें ये शंट फॉर्मेट में, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, शंट मैग्नेट बन जाएगा, ठीक है, राइट।
अभी यहाँ पे मैं इसको ऐसे करके यहाँ पर से जोड़ देता हूँ। तो ये हमने क्या किया है, एक पैरेलल में मैंने कॉइल को जोड़ दिया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संट मैग्नेट बन जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको क्या कह दिया, संट बोल दिया, क्योंकि देखिए ये हमारी क्या है कि कोर है। अब कोर से अगर हम लोग ऐसे वाइंडिंग निकालेंगे तो ये हमारा कैसे काम करने लगेगा, एक तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की तरह काम करने लगेगा ना। तो इसी तरीके से मैंने बोल दिया कि ये हमारा संट मैग्नेट बन जाता है। इसी तरीके से ये आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे कनेक्शन आ रहा है, अभी मैं इस तरीके से कनेक्शन को ना ला करके मैं एक काम करता हूँ, इसे मैं लोड के सीरीज में जोड़ देता हूँ। इसको मैंने कैसे जोड़ा है, लोड के पैरेलल में जोड़ा है, देखिएगा ये मैंने लोड के पैरेलल में ही तो जोड़ा है ना। अभी मैं क्या करता हूँ कि ये वायरिंग ला करके मैं इसे सीरीज में जोड़ देता हूँ इस तरीके से। मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, अच्छा ड्राइंग नहीं मैं बना पाता हूँ, उसके लिए विशेष तौर पे सॉरी, बट समझाने के लिए इतना काफ़ी है। और आप समझ भी सकते हैं आराम से। ये मैंने क्या किया है कि ये यहाँ से लाया मैं सीरीज़ में, लोड के साथ में मैंने सीरीज़ में जोड़ दिया है, ठीक है। और यहाँ पर से इसको मैंने फिर से जोड़ दिया। अभी आप फिर से समझिएगा कि ये मेरी कोर थी, कोर पे मैंने क्या किया, लोड के पैरेलल में मैंने एक वाइंडिंग लाया और वाइंडिंग को ऐसे यहाँ से लपेटता हुआ इसमें जोड़ दिया लोड के पैरेलल में। तो ये हमारा क्या हो गया, सेंट मैग्नेट की तरह काम करने लगा। अब लोड के इसमें ऐसे ला करके मैंने ऐसे इसमें से वाइंडिंग को लपेट दिया और यहाँ पे से कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारा सीरीज मैग्नेट की तरह काम करने लगा। ये जो मैंने कॉइल मैंने लपेटी है, इसको मैं वोल्टेज कॉइल कह देता हूँ, बीसी में से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे करंट कॉइल कह देता हूँ, सीसी से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसे मैं वोल्टेज कॉइल कह देता हूँ क्योंकि ये मेरे वोल्टेज को नाप रही होगी और ये मेरे लोड के साथ में सीरीज में जुड़ी हुई है, इस वजह से इससे मैं हम लोग सीरीज करंट कॉइल कह देते हैं, ठीक है। और ये सीरीज मैग्नेट मेरा बन जाता है। अब होता यूँ है, ये सभी हमारी चीज़ें प्रॉपर हो गई। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ से मैंने जैसे सप्लाई ऑन करी, सप्लाई ऑन करने के बाद ये हमारा जो मैग्नेट है, यहाँ पर से कुछ हमारे मैग्नेटिक जो वो होती हैं, मैग्नेटिक लाइंस जो होती हैं, फ्लक्स वगैरह बनना चालू हो जाएगा और यहाँ पर भी कुछ फ्लक्स बनेगा। अब ये जो फ्लक्स होगा ये एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, 90 डिग्रीज पर लैग कर रहे होंगे। वो जो हमारा सीरीज मैग्नेट में जो फ्लक्स बन रहा है और जो हमारा सीरीज माफ़ी चाहूँगा जो सेंट मैग्नेट में जो हमारा फ्लक्स बन रहा है और जो सीरीज मैग्नेट में जो हमारा फ्लक्स बन रहा है, एक दूसरे को 90 डिग्री से क्या कर रहे होंगे, लैग कर रहे होंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जो एल्युमिनियम की ये यहाँ पे डिस्क रखी थी, इस डिस्क में क्या हो जाएगा कि एडी करंट हमारी आ जाएंगी। जब एडी करंट यहाँ पे आ जाएंगी, या फिर आप ये समझ सकते हैं ये जो फ्लक्स होंगे इस डिस्क में से भी कुछ कट करेंगे और डिस्क में कट करेंगे तो हमारी एडी करंट इसमें जनरेट होंगी। अब एडी करंट जनरेट हो रही है तो यहाँ पर से क्या होगी, ये डिस्क क्या होने लगेगी, रोटेट होने लगेगी, ठीक है। ये जब डिस्क रोटेट होने लगी तो ये डिस्क हमारी इस स्पिंडल के साथ में कनेक्ट थी। अब ये स्पिंडल के साथ में कनेक्ट थी तो स्पिंडल भी हमारी ऐसे करके रोटेट होने लगी। जब ये रोटेट हो रहा है तो ये मैकेनिज्म के साथ में हमारा रीडिंग मैकेनिज्म लगा हुआ है। तो ये रीडिंग मैकेनिज्म क्या करता है, जितनी बार ये हमारा मैकेनिज्म रोटेट करेगा उसके हिसाब से ये अपने रीडिंग को बढ़ाता रहता है। तो इस तरीके से ये काम कर रहा होता है। अब यहाँ पर आपने मैं आपको काउंट करा देता हूँ, ड्राइविंग सिस्टम क्या होता है, जो कि हमारे इसको घुमाने का काम कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं, ड्राइविंग सिस्टम कहते हैं। तो सीरीज मैग्नेट और संट मैग्नेट मैंने आपको बता दिया कैसे बनता है, किस तरीके से इसका काम करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया ड्राइविंग सिस्टम क्या होते हैं, हमारा संट मैग्नेट और सीरीज मैग्नेट होते हैं। इसी तरीके मूविंग सिस्टम क्या होता है, हमारा मूविंग सिस्टम ये हो गया, ये जो हमारे स्पिंडल है या फिर ये जो हमारी प्लेट लगी हुई, इसको हम लोग क्या कहते थे, मूविंग सिस्टम कह देते हैं। अब रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म मैंने ये बता दिया, रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म। अब एक बचा हमारा ब्रेकिंग सिस्टम। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कभी कभी कि हमने वोल्टेज ज़्यादा हमारा आ गया या फिर करंट ज्यादा हमारी फ्लो हो रही है सिस्टम में, तो इस वजह से क्या होगा कि यहां पे ये जो रोटेशन हो रहा होगा डिस्क का, ये काफ़ी तेज़ होने लगेगा और हमारी रीडिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा आने लगेगी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक ब्रेकिंग सिस्टम का भी यूज़ करते हैं। ब्रेकिंग सिस्टम के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे एक तरीके परमानेंट मैग्नेट हम ला करके यहाँ पर शिफ्ट करा देते हैं। ये परमानेंट मैग्नेट जो होता है ये हमारा इस तरीके से अंदर और बाहर की तरफ में मूव कर सकता है और ये इस तरीके का मूव करता है कि ये इस डिस्क को कंट्रोल कर सके। अब यहाँ पर आप समझिएगा, यहाँ पर डिस्क में क्या हो रहा है कि
हमारा जो फ्लक्स है वो फ्लक्स हमारे इस डिस्को को कट कर रही है और डिस्क हमारी मूव कर रही है, और यहाँ पे क्या कर दिया हमने, एक परमानेंट मैग्नेट यहाँ पे प्लेस कर दिया। परमानेंट मैग्नेट जो होगा ये हमारे इस डिस्क के मूवमेंट को अपोज कर रहा होगा, अपोज करेगा तो यहाँ पे जो डिस्क होगी ये एक पर आप कह सकते हैं कि जो इसकी वेलोसिटी है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ में ही मूव करती रहेगी। तो ये हमारा जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है, इस ब्रेकिंग सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, एक परमानेंट मैग्नेट को प्लेस कर देते हैं। तो यही सब इसका डायग्राम होता है। आई होप कि ये जो मैंने आपको चीज़ समझाई है सिंगल फेज एनर्जी मीटर, ये आपको समझ में आया है। बाकी डायग्राम मैं आपको अगर बुक में दिखाऊं तो आप बुक में देख सकते हैं क्लियर बिल्कुल कि इस तरीके का ये हमारा डायग्राम होता है, ठीक है। अब आपको ये सभी चीज़ों के मैं नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी जो मैंने आपको शुरुआत में मैंने थ्योरी बताई आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं और इसे अपने ओन लैंग्वेज में भी एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। आई होप कि आपको सिंगल फेज एनर्जी मीटर समझ में आया होगा, इससे रिलेटेड कोई भी आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं बचा है। इसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है, अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाएगा। अगर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई भी डाउट एंड क्वेरी या फिर मेरी वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सजेशन है तो आप मुझे बता सकते हैं मेरे सोशल मीडिया अकाउंट में, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगा, वहां से आप मेरे सोशल मीडिया अकाउंट में मुझसे जुड़ करके मुझसे बात कर सकते हैं। और साथ ही में अगर EIM की बुक आपके पास नहीं तो आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। टेक केयर, बाय बाय।